गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ वो इसलिए क्योंकि मुझे जाना है अभी मॉर्निंग शो पे और मेरे पास बचा है सिर्फ और सिर्फ पौना घंटा। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अपने गुर्दे फेंको और अपने दिल को साइड पे रख के प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि मैं आप लोगों से और कुछ भी नहीं मांगती। प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और हाँ, मेरे साथ साथ जाहिद भाई को भी प्लीज़ गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे क्योंकि मेरी वजह से उनके भी काफ़ी सब्सक्राइबर्स जो हैं वो डाउन हो चुके हैं। उन्होंने मेरा साथ दिया मेरे बुरे वक्त में, मेरे साथ सिर्फ वही खड़े हुए हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ मेरे भाई को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। अब जल्दी से बूथ शरीफ को साफ करके मैं अपने बाल पीछे करके और ये वाला ड्रेस पहन के फिर मैं सामने आऊँ क्योंकि आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है गाइस। तो कपड़े जो है ये मैंने पहन लिए, ये मैं अम्मी को दिखाती हूँ कि अम्मी कैसे लगे। अब चलते हैं अम्मी के पास और दिखाते हैं मेरा ओवरऑल लुक क्या है। मम्मा देखो, हाँ अच्छी लग रही है अम्मी, ऐसा नहीं लग रही हो। नहीं, अच्छी लग रही हो। अभी मैंने कहा फिर तो भी ब्लू पैंट और ब्लैक के साथ की शर्ट पहनी, फिर उतारो। नहीं नहीं अच्छी लग रही है। अम्मी को देखो, ब्लैक व्हाइट ब्लैक पैंट अम्मी से तो पतली हूँ। चलो चलो घर से अम्मी, मैं जा रही हूँ घर तैयार होने, बाद जाऊँ। ठीक है, अच्छा तो अभी मैं तैयार हो रही हूँ और मैंने सबको कॉल करके कह दिया कि मतलब मैं 9 बजे लाइव आऊँगी टीवी वन पे। और मैंने उनको सबसे पहले कॉल किया जिनको मैं अच्छी नहीं लगती, बेशक मुझे लेट हो रहा है लेकिन मैंने उनको कॉल करके लाजिम बता रहा था। तो फाइनली मैं तैयार तो हो चुकी हूँ और मैं बहुत लेट थी क्योंकि ये नेल्स बहुत बड़े थे तो मैं फाउंडेशन एडजस्ट करने में बहुत लेट हो गया। अब वहाँ चल के ही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, लेंसेज भी नहीं लगा सकी और ये देखें ये बाल भी निकल है। खैर जो भी है जैसे भी, अभी चलते हैं वहाँ पर चल के दिखाती हूँ शाहरुख की बाइक। तो स्टिल हम लोग रास्ते में और अभी भी ये दूर ही है हमसे, देखते हैं कब पहुँचते हैं हम लोग। तो अभी मैं अंदर आ चुकी हूँ और जैनब के बाल भी कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। अभी हम लोग ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, मैं तो हूँ तैयार अपनी पूरी, अब बस अभी जैनब हो रही है तैयार फिर हम जाएंगे ऊपर। तो हमारा यहाँ पर जो शो था वो हो गया ख़त्म, हमारा इनके साथ शो था। और अभी जैनब मैम जो है वो ज़रा सी यहाँ पर जो है वीडियो अपनी सर पिक्चर क्लिक करवा रही है, मैंने भी पिक्चर क्लिक करवा ली है। तो अभी हम लोग बैठने लगे हैं जैनब मैम के साथ, मैं घर जाऊँगी वहाँ से शाहरुख आएगा मुझे लेने के लिए। चले मैम, दरवाज़ा मैं बंद कर देती हूँ। और ये किया है मैम ने मेरा नेल आर्ट, देखें कितना ज़्यादा खूबसूरत किया है। और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से सीधा घर, पहले मैम मुझे ड्रॉप करेंगी देन मैम अपने घर चली जाएंगी। आप सब लोग मुझे मेरी स्किन का कहते हैं, देखो मैम की स्किन कितनी ज़्यादा प्यारी है। अब नज़र मत लगाना, देख के सबसे पहले आप लोगों ने कहना है माशाल्लाह। और ड्राइविंग भी करती है ऑल इन वन। तो जैनब ने जो है मुझे मेरे घर पर छोड़ दिया, थैंक यू सो मच जैनब, आपने मुझे मेरे घर ड्रॉप किया, मुलाकात होती है इंशाल्लाह जैनब, थैंक यू सो मच। यहाँ से ज़रा मैंने जो है दुपट्टा पहन ली क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा मोहल्ला है बकाया दुपट्टे के कहते हैं कि ना गंदी लटकी जा रही है। ये चाबी मैंने ले ली है अपनी मासी से, मैं जा रही हूँ तनवीर भाई के साथ अपनी अम्मी के पास, अम्मी अकेली है घर। अपनी रिंग लाइट लेके जाहिर सी बात है तैयार हुई है तो मेकअप शेकअप किया तो आखिर वीडियो भी तो बनाऊंगी ना। शबाज भाई सॉरी तनवीर भाई चले जाए अम्मी, दरवाजा खोलो भाई, दरवाजा खुल गया, सच्चा स्ट्रगल टाइम, ओह माय गॉड। चलो भाई, ओह माय गॉड सच अ बिग नेल्स, शाम तक ये नेल्स आपको नजर नहीं आएंगे, मुझसे इतने बड़े नेल्स नहीं बर्दाश्त होते। जूते उतारने का सही तरीका, ओप्स ये रहा, सेकंड मैनर्स। मामा गई थी, ये देखो ये लगवाए। अच्छा वाह भाई, बहुत प्यारे लग रहे हैं। ऐसा मॉडल गई थी ना मैं, अच्छी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ। पता है मैं किससे मिली आज, दिखाती हूँ। ये जो मोटा है ये सुबह से सोया हुआ है, इस मोटे को आग उठाते हैं। चलो, सुबह से सोया हुआ है, जब से चैनल से हो क्या है सोया हुआ है, उठ रहा नहीं है। उए, इसके तो हाथ पर वो भी लगाया इन लोगों ने, चैनल वालों ने। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? हाँ
क्या हुआ? चल 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 उठ उठ, अच्छा सर्दी खबर कर दे नहीं, उठ उठ। कितने बजे सोया है? हाँ सोई रही हूँ पूरी रात। क्यों सोई तो थी सारी रात? अच्छा रुका थोड़ी और सो तो उठ गई हूँ। आई एम टोटली फाइन, फुल नींद आ रही है। तो आखिरकार ये उठ गया मोटा? नहीं मैं उठी थी, तीन छींक मार के फिर सो गया। इधर इधर चलो जरा जरा हाथ ही चलाओ। हाथ तो तू मॉर्निंग शो में गया था ना? हाँ जी, सब ने थोड़ा सा दिखाया था। एक दिन मॉर्निंग शो में सिर्फ मुझे बुलाएंगे, लेकिन मैंने अब जाना शुरू कर दिया यार। इतनी खुशी हुई यार मॉर्निंग शो में गया। मैंने फुल ज़ूम करके तेरे मुंह पे लगाया हुआ, पूरा गट्टू लग रहा है तू। अच्छा अच्छा बात सुन, बात सुन तेरे लिए। नहीं यार नहीं, अभी मोटे हो रहे हैं, अभी पहले भी बहुत मोटे सब मोटी हो। सिर्फ मैं नहीं हूँ, तुम भी मोटी हो, ठीक है? अपने आप को भी नहीं, खुद भी जरा इस बार में एहतियात करो, खुद भी मोटी हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एहतियात करो, अपना अपना वजन भी देखो। मुझे मैं तो पतली हूँ। मोटे मोटे, चलो तेरे लिए खाना है। क्या जो चपातियाँ? आज मैंने दवाई नहीं खाई तो मैं उठ चुकी हूँ। उठते ही मेरा बासी हमारा का माशाल्लाह स्टार्ट होता है। तो अभी रूम मेरे की ये हालत हो गई, इसको जल्दी से कर लेते हैं क्लियर। और अम्मी का हाथ कट गया। ये तो पहले मेरे दिल को कुछ हो रहा है, कोई कपड़ा, कोई कपड़ा। ये मुझे सॉक्स मिला, भी सॉक्स बांध देते हैं अम्मी। क्या डालो ये कपड़े पड़े हैं वो पट्टी ले। सर पे क्या? चलो मैं छोड़ो, छत पे मत होते यार, डॉक्टर के पास लेके चलो मुझे। अम्मी मुझे चक्कर आ रहे हैं, बहुत छत गंदे दे। ओ आ गया, तो मिठू आ गया। बस बस सही हो गया, हो गया। ऐसे लगता है हड्डी पे जाके लग गया, ऐसे लगे क्रैक हुआ है मेरा, मेरा चक्कर आ गया था। बहुत ज्यादा लग गया। चलो डॉक्टर के पास लेके चलो, मैं पट्टी करवाऊं। उठो उठो उठो, हाथ मेरा कटा, तुमने कैसे मुंह बनाया हुआ है, उठो। खुद मेरे हाथ को कोई बला थी ये। तो रूम जो है वो हो गया साफ। आज मैं ज़्यादा क्लीनिंग नहीं कर पाऊँ क्योंकि आज जो है मैं थोड़ी सी अनएक्टिव फील कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक आज अपनी मेडिसिंस नहीं खाई, मेरा नाश्ता नहीं किया और उठ के बस सफाई तो मैंने जैसे कैसे कर ली थोड़ी सी। पहले मेडिसिन खा लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या कर सकती हूँ। अम्मी मुझे नाश्ता दे दो, मैं मेडिसिन भी नहीं अभी तक खाई है। वो ऊपर से मेरा स्टेपलर गिरा कि नहीं बच्चा? बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई। सोचा था टिकटॉक बनाऊंगी, बड़े नेल्स है मेरे पास, टिकटॉक बनाऊंगी, लेकिन होश ही नहीं है, खबर ही नहीं है। ये कैसा असर है तुमसे मिलने के बाद दिल पर, पता नहीं क्या बोल रही हूँ। अभी मैं थोड़ी सी देर जो है उठ गई हूँ, थोड़ी सी देर टिकटॉक बनाती हूँ, क्या मैं अभी तक नाश्ता नहीं बनाया है। टाइम 3:20 हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई नाश्ते का नामो निशान। टाइम पास करने के लिए हम करना लेते थोड़े से टिकटॉक, कितना सारा तैयार हुई हूँ तो क्यों नहीं। मैंने जो है 6-7 टिकटॉक्स बना दिए, वो मैंने अपलोड भी कर दिए। अब जाके मैं नाश्ता करूंगी और टाइम हो रहा है 20 मिनट पूरे मैंने इस पे वेस्ट कर दिए फजूल चीजों के। अगर आप इन्हें मेरा व्लॉग देखना, आप गुस्सा होंगे कि तुम टाइम पे खाना क्यों नहीं खाती, क्योंकि आप कहते हैं टाइम पे नाश्ता क्यों करो, मैंने अभी तक नाश्ता ही नहीं किया। अभी शाहरुख का जो है कजन आया हुआ है, तो अभी मैं जा रही हूँ शाहरुख के मामू का बेटा। दुपट्टा ही डूल गया, दुपट्टा पहन के जा रही। ये तो वो लग रही हो तुम सबा का जहां, बस कर जाओ सबा का जहां। सर बनते कैसे हैं अब्दुल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है।
आप ठीक है, खैरियत है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ भाई। हमारे और इब्राहिम भाई और मेरा ना एक खास रिश्ता, मैं आप लोगों को यूँ बताऊँ कि भाई जिस दिन इब्राहिम भाई की शादी हुई थी उस दिन मेरा और शाहरुख ने हम दोनों एक दूसरे को देखा था और हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं आए, लेकिन फिर भी घर वालों के कहने पर हम लोग की 5 दिन के बाद जो है हम दोनों की शादी तय हुई। इनकी शादी हुई, 5 दिन के बाद हमारी शादी होगी और माशाल्लाह सब इनके घर में एक बेटा भी है अभी। और अभी हम लोग जो है अभी ऐसे घूमे, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग पहले अपना घर लें फिर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अपना घर है जी। उसमें अपनी इनकी अम्मी रहती है और इनकी बीवी रहती है और ये यहाँ पर अपने बच्चों को इधर काम के लिए यहाँ पर जॉब करते हैं। तो ये हैं शाहरुख के सगे मामों के बेटे हैं अब्रार सादिक व्लॉग इनके चैनल का नाम है। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोगों ने जाके सब्सक्राइब करना है। मैं ये रिक्वेस्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इनका सिर्फ अपना घर है लेकिन ये जो है जॉब यहाँ पर आके इतना दूर रहते हैं अपने बच्चों से, अपने बेटे से, अपनी माँ से, तो ये पूरे घर का जो है देखभाल ये खुद करते हैं, एक ही बेटे हैं। तो ये आप लोग की बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों को सब्सक्राइब करें क्योंकि इनकी जॉब का भी बहुत बड़ा मसला है, कम सैलरी है और जॉब बहुत टफ़ होती है जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ जॉब होती है। तो लाजमी आप लोगों ने भाई को सब्सक्राइब करना है और मैं इंस्टाग्राम पर लिंक भी दे दूँगी इनका और वैसे भी अब्रार सादिक व्लॉग्स आप लोगों ने देखना है, ठीक है? अभी न्यू चैनल है, थोड़ा उनको व्लॉगिंग नहीं आती, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे, बहुत ऑर्गेनिक व्लॉग्स होंगे, आप लोगों ने सब्सक्राइब कर। वो जो काशिफ भाई है ना, काशिफ भाई के बिल्कुल घर के साथ इनका घर है। तो ये अपने नेल्स का मैंने हशर किया है क्योंकि मुझे नाश्ता करना था, मुझे नाश्ता नहीं होता उसके साथ ना, वो मैंने अपने नेल उतार दिया, मैं खाऊँगी अपना खाना। नाश्ते में मेरे पास है अंडा और थोड़े से जले हुए और जला हुआ टमाटर, जला हुए प्याज, जले हुए टमाटर और चपातियाँ, जल्दी से खाना खा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया और अब गोरी तो भाई मेरा छोटा भाई उस्मान भाई आया हुआ है मेरे घर। और उस्मान भाई कैसे हैं आप? ठीक, शुक्र है अल्लाह पाक का। चलो भाई उस्मान भाई के ना बहुत शुक्रिया गाइस आप लोग का, आपने उस्मान भाई को सपोर्ट किया। उस्मान भाई के बाकी अब बस कुछ ही घंटे रहते हैं पुराने में। उस्मान क्या नाम था आपके चैनल का? मोहम्मद उस्मान सलीम ब्लॉग, मोहम्मद उस्मान सलीम ब्लॉग इनके चैनल का नाम है। बस अभी जो है होने वाले हैं उनके सब्सक्राइबर पूरे और फॉलोवर्स सॉरी घंटे पूरे, प्लीज़ उनका टाइम वॉच टाइम कम्प्लीट करवा दें। और आपको ये दिल से दुआ देंगे, बहुत मासूम से मेरे भाई हैं और बस आपने दिल से दुआ करनी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब्सक्राइबर जब इनके पूरे इनके जब वॉच टाइम पूरा हो जाएगा हम छोटी सी पार्टी भी रखेंगे और आपको दुआएं भी मिलेगी, ठीक है? तो मुझसे ना ये मेकअप जो है ना इतना गंदा लगता है ना, सबसे पहले अपना मुंह वॉश कर लेती हूँ। स्लो मोशन में देखोगे मुंह धोता हुआ। अभी जो है मैं थोड़ी देर लेट रही हूँ, मोटे नहीं बोला करो। क्या करोगे? सर पे तेरे मारता हूँ। मार के दिखा, मार के दिखा, मार के दिखा। हाँ क्वेश्चन में आप लोगों ने ब्रश तो देख लिया, ये देखो एक टक टक करने दो शाहरुख, टक करने दो, मुझे गुस्सा आ रहा है। अब ऐसे मुझे कितना गुस्सा आता है मुझे। दोस्त दोस्ती करो, दोस्ती हाँ सही बात। आज तबीयत ठीक नहीं है, पंखा चला दो और लाइट बंद कर दो जल्दी से, बस सही। अब मैं सो रही हूँ, थोड़ा सोने देना, ठीक है? आज मैं सारा दिन सोती रही, अभी अपना सारा सामान पैक करते हैं और घर की सफाई करके जाऊंगी ताकि वो लोग सुबह जब आए तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। 8:30 का टाइम हो रहा है, मेरी आंखें थोड़ी सी नम है। ये आंखें बंजर 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 कर दे, वैसे गाना है कि बादल कर दे, मैं चाहती हूँ ये आंखें बंजर हो जाए। डिसाइड ये हुआ है कि सुबह हम लोग घर जाएंगे, अभी जो है शाहरुख घर पर सामान रखने जा रहा है और कब से ऐसे ऐसे करके खड़ा हुआ है ऐसे, तो मेरे को ये जरा पहन लो जैकेट, अगर मिल ही गई है तो उसका फायदा भी उठा लो शाहरुख अजमल साहब। ऐसा कीजिए कि ना आप अपने भाई को, अभी हम लोग जा रहे हैं अभी ये कपड़े देने के लिए और अम्मी के किचन में इतने मजे के, मैं अभी और भी चीजें ले आऊंगी इसके अंदर डालूंगी। ला 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 आहा, आहा, आहा।
पापा भी, अम्मी, अम्मी का थैला, शाहरुख, शाहरुख का जूस का डिब्बा और नैना की खूबसूरती जा रही है बाइक पर बैठ के अम्मी के कपड़े दर्जी को दे रहे हैं। तो अभी हम लोग शॉप पर पहुंचे, अम्मी थैला मुझे दे दो, देखो मेरा मोटा सा देख चाक कैसा जा रहा है। तो अभी जो है अम्मी दे रही हैं तारिक भाई को नाप, क्योंकि अम्मी कपड़े सिलवाती हैं सिर्फ तारिक भाई से और मैं भी तारिक भाई से ही अपने कपड़े सिलवाती हूँ। तो अभी अम्मी ने जो है कपड़े दे दिए हैं, मैं उसके साथ के जो है लेस वगैरह लेने जा रही हूं। इट्स मेन इट्स टॉर्चर टाइम बेबी, मी टू लेस वाली दुकान आ रहा हूं मैं, लेस वाली दुकान आ रहा हूं मैं। अम्मी धक्का दूं, देखें कैसे काम हो रहा है। ये है लेसों की दुकान, इतनी सारी लेसें हैं और ये देखिए कितने प्यारे बटन हैं यहाँ पे ना, ये जैसे ना नेक पे लगाते हैं ना ये वैसे हैं, ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये है कुछ चार लंगोटियाँ यार, जैसे मैं और मेरी कुछ दोस्त हुआ करते, हम लोग भी ऐसे ही बचपन में खेला करते थे। ये वाले अम्मी अच्छे, जो सूट मैंने अपना ख़राब करवाया था ये वाला वहीं से तभी इतना अच्छा करके सिलवा रही है। यहाँ पे देखिए इतने सारे दिए हैं, हमें ब्लू नहीं ब्लैक के साथ गोल्डन अच्छा लगेगा। ह्यूज कलेक्शन है भाई यहाँ पर, ह्यूज। 200 साल बैठने के बाद भी अम्मी स्टिल अपने जो है कपड़े खरीद रही हैं। मुझे मौत आ जाए मम्मी के साथ कभी कपड़े लेने ना हो, लेकिन क्या करें, माँ ने भी मेरे बचपन में मांगे बहुत कुछ। अभी हमारा दर्शन नहीं पर खत्म होता है तो मेरे श्रद्धा करो, घर चल के बात करते हैं। अम्मी हो गई काम, हो गया सारा काम, चलो शॉपिंग दे दे, थक जाओ। देखो कितना पसीना आ गया, क्यों इतना लेसों के ऊपर लड़ती हो, यहाँ से बंद कर दिया, आज दूसरी साइड चले आओ। फिर यहाँ पे गर्मा गर्म शकरकंदी हो रही है, मैं बन रही थी, पता नहीं मैं क्या एक्सप्लेन करती हूँ गाइस। मेरा बंटी शुक्ला कुछ खाएगा, शबरमा लेंगे, शबरमा खाना है, मैं लव बच्चा, मेरा मुँह नादा खिलाते। शाहरुख अजमल साहब मेरे मिजाजी खुदा, मुझे नजर नहीं आ रहा। मिजान आपने मेरे मिजाजी खुदा को ही देखा है, अभी मेरा मिजाजी खुदा खो तो भी दे रही इनको कपड़े वापस। क्या सुन रहे हो, ये वाला फ्रॉक तारिक भाई ने सिया, देखिए कितना प्यारा सिया है ना, और ये जितने भी कपड़े दिख रहे हैं सब तारिक भाई ने सिए। शाहरुख मैंने भी चांद देखा, ये देखो वहाँ से ना मुझे भाई भी देख रहा है, शर्म मारे लेकिन कोई बात नहीं, देखो मैंने चांद देखा। पूरी दुनिया के दुख एक तरफ और रक्षा वालों ने जो दुखी नसीबोलाल के गाने लगाए होते हैं वो एक तरफ। शाहरुख अजमल, अम्मी कह रही है उनको शवरमा खाना है, हाँ अम्मी को शवरमा दिलवा दो। अम्मा मैं तो रोटी खाऊंगी ना, घर में कुछ बना हुआ है वो, हाँ वो मैं वही खाऊंगी, मैं बाहर का खाना नहीं खा सकती। और ये देखें फिर से चांद नजर आए, हम लोग फाइनल जो है ये वाली हमारी दो पसंद की है, ये देखें ये वाली, यहाँ पर अभी एडवांस दे रहे हैं और बात जो है हो चुकी है फाइनल, वो वाली अलमारी हुई हमारी। अभी हम लोग जा रहे हैं अम्मी के लिए शवरमा लेने कुरंगी नंबर 2 से, अम्मी को हम लोग लाए हैं अम्मी की फेवरेट जगह पे जहाँ पे अम्मी को शवरमा खिलाएंगे, यहाँ पर चना चाट भी है। अम्मा चना चाट खाएंगी आप? नहीं अम्मी को चना चाट नहीं, गला खराब होगा कल चना चाट खाए, आज सिर्फ यहाँ से हम शवरमा लेंगे। और ये देखें मेरी और इस गंजे की शक्ल कितना ज्यादा मिलती है, देखें हम शक्ल लगते हैं हम दोनों, बिल्कुल हम शक्ल। शाहरुख इस गंजे का नाम क्या है? ओह माय गॉड, रॉक, जो वो रेसलर है, सॉरी मैंने गंजा बोल दिया मेरे लिए, सॉरी मुझे टकला बोलना चाहिए था। और ये देखें मेरे कसन कितने ज़्यादा खूबसूरत है, अम्मी ये देखें आपने अच्छे लग रहे ना, है ना, वो जो आपने सूट सिलवा रहे हो उसके ऊपर ऐसे लगवाओ ना, ऐसे तो लिए हैं अच्छे लिए हैं आपने, फिर ठीक है। तो शवरमा शाहरुख ने ले लिए, आप चलते हैं घर। हमारे जबान में से कहते हैं खज्जी, वैसे से खजूर कहते हैं, खजूर का दरख्त, लेकिन हमारे जबान में से कहते हैं खज्जी। और अगर हमारे सराय की देखेंगे ना इस खज्जी को तो बोलेंगे बिट्टी खज्जी। कहाँ से लेनी है अम्मी के लिए गोलियाँ भाई? एगमेंटन गोलियाँ दे दें। तो भाई ये आ गई है एगमेंटन गोली, मुझे नहीं पता कितनी है। अम्मी आप अपने पैसे प्लीज संभाल के रखें, शाहरुख पैसे दो जल्दी से, दो पैसे 200। मुझे ना ये जूस देख के इतना पीने का दिल कर, ऐसा करते हुए एक ले लेती हूँ, जूस पीना कोई हराम नहीं है। शाहरुख मुझे एक पकोला और एक स्लाइस दे दो, मैंने कितने दिनों से कुछ पिया नहीं, मैं बहुत डाइट कर रही हूँ लेकिन कभी कभी ना कुछ पी भी चाहिए। भाई ठंडे है ना, ठंडे सही दे, बहुत शुक्रिया। अम्मा आप मरिंडा पियोगी? नहीं गला खराब है। चलो कोई बात नहीं, गला खराब वाली गोली मिल जाए छोटी सी वो ले लो ना। कौन सी? वो टॉफी वाली होती है। वो गले खराब वाली गोली होती है टॉफी वाली, वो क्या रहा होता है वो नहीं है। शाहरुख जैसे याद आएगा ना वैसे बात करूंगी ना मैं, रोबोट तो नहीं ना कि एक साथ बोल दूंगी। अम्मी जान जल्दी से दरवाजा खोलिए, मुझे बैतुल खला जाना है।
मेरे मिजाजी बताओ आपने कुछ गिरा दिया। मेरी अम्मी की तबीयत खराब है, प्लीज मेरी अम्मी के लिए दुआ करें, गला खराब है। तो अभी मैं अपना पकोला का ठंडा ठंडा जूस जो है वो एंजॉय करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज्यादा प्यास, और प्यास जब लगे तो पकोला। ये साथ आप लोगों ने पीना है, सो स्टार्ट हमारा पकोला। तो सुबह जो हम लोग मॉर्निंग शो में गए थे उसका जो वो मैंने शूट जो था वो मैंने थोड़ा सा किया, मैं बना सकती थी उस टाइम, पता नहीं मेरा दिमाग क्यों नहीं काम करता, लेकिन हम लोगों जो प्रोफेशनल कैमराज थे उसमें हम लोगों ने बनाया था, वो हमें कल परसों मिलेगा, तो वो मैं कल परसों के व्लॉग में इंशाल्लाह ऐड कर दूंगी। और एक बात, आज इजाज शाह ने, कल हम लोग जाहिद भाई के लाइव में मैं जाती हूँ, मैं पहले मैं किसी के लाइव में जाती हूँ, बस जाहिद भाई के लाइव में, क्योंकि जाहिद भाई एक वाहिद शख्स हैं जो मेरे लिए बोलते हैं, और मैं इंशाल्लाह उनके लिए आगे हमेशा जब भी उनको मेरे जब वो मुझे बुलाएंगे लाइव में मैं लाजिम जाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो खैर उनका बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले, और उनकी लाइव में जब लोग मुझसे बातें कर रहे थे ना कि नैना ने सिखाया है इजाज शाह को, तो इजाज शाह को मैंने नहीं सिखाया था, मैंने कभी अपनी सफाई नहीं दी, लेकिन आप लोग जाके वो जाहिद भाई की लाइव देख लीजिएगा, इजाज शाह को जो मैं सिखाती रही हूँ, जो चीज़ें मैं बढ़ाती रही हूँ, उसने सब बोल दिया, मैंने उसको कुछ नहीं सिखाया था। हालांकि मैं तो उसकी मिन्नतें कर रही थी कि भाई तुम कोई बात ना किया करो, तुम कि हमारी फैमिली को खराब ना करो, लेकिन बिहाइंड द कैमरा सामने आके मुझे दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने जो है अल्लाह को जान देनी थी, ना कि यहाँ पर आके अपने तारीफें बटोरनी थी। खैर ये बात हो गई क्लियर, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है मुझ पर, अल्लाह करे आप सबका भी, अल्लाह ताला करम आप सब पर भी ऐसा बना रहे। और जो लोग बातें कर रहे हैं कीप इट अप, मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, अल्लाह ताला आप सबको भी ऐसे अपनी लाइफ में खुश रखे। मैं भी लोग कर आप लोग एक नए ब्लॉग के साथ, और एंड में ये कहूँगी प्लीज़ जाहिद भाई को भी सब्सक्राइब करें, उनके सब्सक्राइबर बहुत डाउन हो चुके हैं, प्लीज़ जाहिद भाई को भी सब्सक्राइब।